सो संगत एड वालों जो सेवावान चल रही ने खास तौर पे कोरोना महामारी के दौरान उहदे विच 25 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स जिहड़े ने ये होर साढ़े कोल पहुँच गए ने। अज 5 लीटर की इन्हां दी कैपेसिटी है। साड़ी कोशिश सी कि 10 वाले भी मिलन पर अजे तक नहीं मिले। जो मिलणगे वो भी इस विच आपां जोड़ांगे। ये ऑक्सीमीटर ने जी 200 ऑक्सीमीटर जिहड़े ने ये मिल गए ने अज। सो ये ऑक्सीजन का लैवल मापण दे वास्ते। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही एक ऑक्सीफ्लोमीटर इन्ह की भी बहुत ਘਾਟ चलती पई सी। सिलेंडर तो बड़ी मुश्किल नाल मिलते मिलते सीगे, बड़ी वो मुश्किल सी। ये भी सारा मटीरियल जोड़ा है ये मतलब करीब तिगना ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। सो हर चीज़ ਜਿਹੜੀ है ਇੱਥੇ इस वक्त क्योंकि लोड बहुत वध गई है, प्रोडक्शन उन्नी नहीं सी। ये 50 सानू आ गए ने ते इन्ने की होर सानू होर 1-2 दिनों पहुँच जाएंगे। सो सारिया मशीनां जिहड़ियां इत्थे पहुँचिया ने ते जिवें आपां पहलां भी तुहानू दिखाया सी ये पेशेंट्स दे वास्ते लाइफ सेविंग दा काम करदियां ने। खास तौर ते जिहड़े इनिशियल स्टेज दे फस्ट लैवल दे पेशेंट जां सैकेंड लैवल देयां नू भी काफ़ी हद तक ये सपोर्ट कर दिंदी। थर्ड वाले जोड़े ने फिर उन्होंने सी पाइप के उपर हैवी फ्लो ऑक्सीजन जोड़ा वो सिलेंडर के जरिए जिमें आप पहला सिलेंडर लैके आए थे। सो सिलेंडर के उपर वो ऑक्सीमीटर लगा के तो ये जी है उन्होंने वास्ते ये सारे प्रबंध किए जा रहे हैं। हूँ मौजूदा तौर पर असी सारा कुछ श्री गुरु नानक देव हॉस्पिटल तरनतारन साहब विखे लैके आए हैं। इतों जिथे जिथे जरूरत पेगी उत्थे ये जी चीज़ा ने पहुँचाई जाएगी क्योंकि इतने ऑलरेडी आप 16 मशीन जोड़िया ने वो सेवा दे विच लग चुकिया ने। जे इतने भी होर लोड़ पेगी तो इतने भी यूज़ होणगियां। जिथे जिथे लोड़ पैंदी है उस ढंग दे नाल अगली प्लैनिंग दे नाल असीं इन्हां मशीनां नूं वख-वख थावां ते लैके जा रहे हैं। तो सब तो क्योंकि इन्हां दा आउणा तुहानूं भी उडीक होएगी कि ये सेवा जिहड़ी चलदी पई आ क्योंकि बड़ा कुछ इत्थे चलदा पिया कि मशीनां किवें पहुँचन, कित्थों पहुँचन, किद्दां पहुँचन। सो बड़ा कुछ जिहड़ा सारा असीं दस भी नहीं सकते कि किवें साडे तक पहुँचदियां ने, किहड़े हालातां च पहुँचदियां ने। पर फिर भी ये है कि साडे कोल चीज़ां आ गईयां ने। हुण ये चीज़ां जिहड़ियां ने अगे वख-वख थावां ते कुछ साडा ये भी विचार बनदा पिया कि किसानी मोर्चे दे उत्ते भी जाके किसानां दे वास्ते भी ये चीज़ां जिहड़ियां ने उहनां दे हैल्पफुल होण ताकि वह भी इस महामारी विचों अपना बचाव कर सकन, अपने आप में चढ़ती कला विच रख सकन। सो ये सेवावां संगत एड वालों कीतियां जा रही हैं। सो ये कुछ होर बड़िया जरूरी आइटम्स ने आकार में, चाहे छोटिया ने पर इन्हां दी अपनी वड्डी अहमियत है। मास्क ने, पीपी किट्स ने, बाकी पगड़ी, मास्क, ये सिलेंडर जोड़े आप ऑक्सीजन सिलेंडर लिया ने उन्होंने तो अगों जी पाइप लग के जिद साह आता है। सो भी है नैजल ऑक्सीजन कनूला। ये सारिया चीज़ा जोड़िया ने काफ़ी गिनती दे विच 50,000 मास्क जोड़े ने जोड़े कन्ना के उपरों की लगन वाले 50,000 है जोड़े पगड़ी के उपर बच सकते हैं। सो इस ढंग के नाल ये 200 मास्क के वखरे ने। सो ये सारा मटीरियल जोड़ा इतने साढ़े कोल पहुँचया होया इस वक्त तो क्योंकि बड़ी वड्डी आफत बनी हुई है। तो इस आफत दे विच जिन्ना आपां बचाव कर सकीए। जिहड़े मास्क ने ये साडी ये भी विचार है कि किसानी मोर्चे के उत्ते जिथे किसान अपने मोर्चों ते डटे बैठे ने उत्थे लोड़ अनुसार ये पहुँचाए जाण ताकि प्रिकॉशन जोड़े ने वरतने बड़े जरूरी ने क्योंकि बीमारी बड़ी खतरनाक है। तो इस तो जिन्ना बचाव हो सके। बड़िया ही कीमती जाना इस बीमारी के दौरान जा चुकिया ने तो जा रही ने। सो एहतियात बहुत जरूरी है। सो ये सारिया चीज़ा जोड़िया ने इत्थे पहुँचिया हुई ने। वख-वख अपने अपने लैवल के अनुसार इन्हों की सारे की अपनी अपनी महत्ता है। तो ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੂ ਕਵਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੀਪੀ ਕਿਟਸ ਨੇ ਸ਼ੂ ਕਵਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ICU ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੂ ਕਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੀਪੀ ਕਿਟ ਦੀ ਬੜੀ किल्लत पिछले साल भी बड़ी किल्लत सी इस बारी भी सो ये पीपी किट्स दे साढ़े कोल पीपी किट्स आईयां हुई ने जड़ियाँ कि सारा जदों पेशेंट को मिलने वास्ते जोड़ा भी कोई अंदर जाता या कोई वलंटियर या कोई भी होएगा सो इसका इस्तेमाल करके अपने आप को सेव करता सो ये बहुत सारा कार्य जोड़ा इत्थे हो रहा है। सो बाबा जोगा सिंह जी इस वक्त साढ़े नाल मौजूद ने। सो बाबा जी इस औखी घड़ी दे विच संगत एड वालों जो सेवावां कीतियां जा रही हैं आप जी कुछ बचन साझा करदे जी। मैं सब गुरु भाइयां दा तहे दिलों धन्नवाद करदा जिन्हां ने जिस समय जिस चीज़ की लोड़ पई वो चीज़ पहुँचाई ते कईयां दीयां जानां इन्हां नाल बच सकदियां ने। जिथे सानू सिलेंडरां दी कमी आई उत्थे संघ TV वाले भाई मीर तों सारा रल मिल के साडा यह सहयोग दिता इस हस्पताल नूं गुरु नानक हस्पताल नूं। उस तो बाद फिर इन्हां दा समान सी पावर मीटर वगैरह वगैरह जो भी चीज़ों की लोड़ पई सी मास्कां की लोड़ पई सी फिर आ जिहड़ियां वर्दियां पा के आपां करोना वाले को जाने आ उन्हां दी भी बहुत कमी सी क्यों पिछों मिल नहीं रहा। जदों ये काम होया ते आम वड्डियां लोकां ने ना होर वड्डा कमाई दा साधन बना लिया। मैं कुछ गल्लों नहीं सकदा उन्होंने सोचा भी हुण कमाई का टाइम है हुण कमाई करिए जिहड़ी चीज़ जिहड़ा मशीन सानू 30,000 की मिलती सी वो लख लख तक भी लै गए। होर भी समान जिन्ना जिन्ना महंगा साडे गैस प्लांट का समान सी असीं नवां गैस प्लांट लाना जी ओहदा भी रेट इन्ना ज़्यादा चुकता कि ये वेखो मैं हैरानगी ये करदा भी समा तुहाडे ते नहीं आउणा समा तुहाडे ते भी आउणा तरस करो कोई की करेगी माया। महाराज ने आमन जामन खेल बनाया आगाकारी की नहीं माया माया कड़ी किसी को रहनी है ते महाराज ने इधर परोपकारी वाल दसिया 68 सगलपुन जी दया प्रवान ते दया वाल होना गुरु के प्यारो। आज इस औखे टाइम ते संघ TV वाले ने साडी बांह फड़ी नहीं थी बड़ी मुश्किल सी। मरीज बेचारे जो मुड़ते सी बड़ा रोना आउंदा सी भी असी बचा नहीं सकते साडा एडा वड्डा हस्पताल है। ते अज मैनूं बड़े इस लाउंदी है बड़ी खुशी वाली गल आउंदी है भी जिथे मरीज जिहड़ा आवेगा कोशिश साडी होवेगी उहनूं हर तरह अखीरले श्वास तक कोई मदद करांगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो बिल्कुल बड़े कीमती बचन जिहड़े बाबा जी ने कीते ने। वेखो और तुहाडे वर्गियां संगतां देशां विदेशां च बैठियां पुन्न कमा रहीआं ने ते कुछ ऐसे भी जीव ने जिहड़े पाप कमा रहे ने। इस वेले लगभग कुछ चीज़ां ने जिहड़ियां इन्हां चों सानूं उन्हां ने कईयां ने फ्री भी भेजियां उन्हां दा भी धन्नवाद है। साहिल करके एक भाई साहब ने उन्होंने कुछ मास्क भेजे ने पर जिहड़ी गल बाबा जी कह रहे हो भी 100% सच है। असीं भी बहुत कुछ 2-2, 3-3 गुणा रेट के उत्ते चीज़ां लै रहे हैं पर लैणियां पैणगियां क्योंकि असीं हुण जान बचाउणी साडा मेन मकसद है। इस वेले असीं दूसरियां गल्लां चुलझ गए ते क्योंकि बहुत खतरनाक माहौल जिहड़ा चलदा पिया ते इहदे विच सिलेंडर भी जिहड़े आपां 2.5-2.5 गुणा कीमत ते लए होए ने। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਲਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰੇਟ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੱਚ ਸੀ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ वेखो गुरबाणी जिहड़ियां गल्लां सानूं समझाउंदी सी सानूं पहलां समझ नहीं सी आउंदियां पर अज सानूं सारा कुछ सच लगन लग पिया कि वेखो आवण जाण के खेल बनाया जिहड़ा आप जी ने हुणे बचन साझा कीता। हुण साडे सामणे कई जा रहे ने लगातार ही मतलब कदी सुणिया सी इतिहास दे विच कि प्लेग फैली गुरु साहब ने सेवावां कीतियां जा जा के अज ओह सारा कुछ असीं अपनी अखां दे सामणे देखदे पए। कदी इतिहास सुणदे सां धन गुरु अर्जन देव साहब लाहौर के जो बीमारी चली महाराज ने अपने हथी सेवा की। जो इतने तरन तारण कोड़ का महाराज ने बख्शिश की जिन्निया दवाइया आईया सारिया महाराज ने सरोवर च पातियां। सरवर होका हुतनाम वो हाली भी हस्पताल चलते रहे ने। फिर वेखो महाराज ने आख्या लागू होए दुश्मना साग भी भज खलोए। अज कई बारी इन्ने आउंदे भी जिन्हों के घर पैसा भी है नहीं ते प्राणी भी मरण तक गया है ते अगे हस्पताल भी नहीं सामभ है। असं आना वो साड़ी आप जो शरीर आ किसी के काम आवे। एडा वड्डा महापुरुषों ने उपराला करके हस्पताल बनाया है तो सानू ये सी भी किवें चलेगा किवें मगरों इन्ना। फिर भी महाराज ने कृपा की। संगत टीवी वाले ने रल मिल के मैं गुरु के प्यारे नूं हथ जोड़दा जिहदे कोल 10 रुपये भी ना वो भी दे दिओ महाराज आपे दऊ करूगा किसी के भले वास्ते। 68 तीर्थ सगल पुन जी का परवाना 68 तीर्थां दा पुन है जे अज किसी जी की आप रक्षा कर देंगे। सो गुरु के प्यारे ये हथ जोड़ के बेनती है। महाराज ने बाणी च भी दस्या ते आपां भी सारे रोज पढ़ते भी हैं भी जाना कुछ नहीं नाल इत्थे रह जाना तजादरा रह जाना। तो आप किहड़ी गल दा मान करते क्यों नहीं किसी की एक दूजे की भरा की मदद करते। मैं ना जानवर भी एक दूजे की मदद करते कई बार वेचीदा है। कोई जानवर किसी ने दूजे को तंग करता दूजा जाके छडांदा है। तो मैं ना भी अपनी इन्नी नहीं जमीन गिर गई है आप तगड़े होकर हमला मारीए सानू सहयोग दिओ ते वध चढ़ के आप मरीज लईए तो उन्होंने मरीजों का बचाव करिए। सानू माया की नहीं लोड़ सानू सिर्फ ये सहायता की लोड़ है। समान जो दे रहे हो असं आने भी मगरों पूर्ति होंगी जाए। यह ना हो भी जो 10 मरीज असं दाखिल किए तो मगरों राशन मुक जाए तो सानू ये ना हो साढ़े सामने तड़प तड़प के मरन ये सानू नहीं सुभदी। सो गुरु के प्यारो सारे हला मारो इस समय ते हस्पतालों भी मदद करो जिथे सही तरीके काम हो रहा है तो दूजे तरह हर तरह बंदे की भी हैल्प करो जिथे तक हो सकती है। इन्हीं बेनतियां प्रवान करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो सचमुच ये एक धार्मिक तौर पर भी इनू आप एमरजेंसी समझ लीए आपदा समझ लीए। ठीक है सरकार ने तो पिछले साल ही पेंडेमिक इनू डिकलेयर कर दिता सी पर मैनू लगता कि असीं जिहड़े धर्म दे नाल जुड़े हुए लोग कि गुरु दर दे नाल प्यार करन वाले लोग गुरु साहब जी दी रहमतां दे नाल रहमतां मानण वाले भी हाँ। अज जे जिथे असीं पहुँचे हाँ कोई भी जिहड़ा जीव आ जिहड़ा घरां च आप जी बैठे हो जां जिथे भी बैठे इस वक्त सानूं सुन रहे हो ये सब सतगुर दीयां रहमतां दे नाल असीं इत्थों तक पहुँचे हाँ। ते अज दी जे सौखी घड़ी दे विच जे आपां अपने ओह जो सानूं सतगुरां ने बख्शिशां कीतियां होईयां ने उहदे विचों जे असीं कढ करके कुछ वध चढ़ के भी दसवंध तों वध भी जे आपां कुछ कर पाईए ते मैं समझदा ये भला वा जे मनुखता बच जाएगी। क्योंकि जिस ढंग दे नाल इह खलारा जिहा पिया ना इत्थे दा हिसाब तुसीं देखदे पए हो असीं भी जदों देखदे हां क्योंकि साडा तां मीडिया नाल संबंध होण करके ज़्यादा बहुत सारियां चीज़ां असीं जिहड़ियां देखदे हां ओह भी तुहानूं नहीं दिखाउंदे कि ज़्यादा परेशानी हुंदी है। कई वारी दिमाग दे उत्ते बहुत ज़्यादा स्ट्रैस आ जांदा भी इह की हो रिहा। पर हालात सचमुच बहुत माड़े ने ते इत्थों दीयां सरकारां जिहड़ियां दुनिया भर तों जिन्हां नूं लानतां पै रहीआं ओह ढीठ बने बैठे ने। लोकी तां हुण इत्थों तक कहण लग पे ने कि इह तुहाडी इह कुर्सी आ कोई तुहाडी अर्थी नहीं हैगी भी तुसीं इहदे तों उठ नहीं सकदे। जे नहीं सांभ सकदे मुल्क नूं ते इहनूं छड्ड के बन्ने हो जाओ कोई होर सांभ ले। सो इह कुर्सियां जिहड़ियां ने जिम्मेवारियां हुंदियां ने कोई तानाशाही नहीं जां मतलब कोई ओह पुराणे जिहड़े रजवाड़ा शाही वाला काम नहीं। इह जिहनूं कुर्सी ते बहण दा मौका इत्थे मिलदा है ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਲੈਕਾਂ ਚੱਲਣ ਰਹੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि वड्डे शहरों के करोड़ों रुपये कैश लैके भी लोग सड़कों पर होंगे आ कि साडे मरीज को दाखिल कर लो। वो करोड़ों भी किसी काम नहीं आते मरीज कई बार गड्डी च ही दम तोड़ जाता। सो ये पता नहीं जोड़े हुण करोड़ के चक्कर च फिरते हैं इन्होंने पता नहीं पैसा कित्थे लै जाना तो इन्हों भी महाराज मत दे। सो इस ढंग के नाल ये सारिया सेवावां जिहड़ियां हो रही ने। आप संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद है। UK यूरोप दीयां सारिया संगतां दा धन्नवाद है। तुसीं ये सौखी घड़ी दे विच खड़े हो ते पंजाब दे नाल खड़े हो मनुखता दे नाल खड़े हो। मनुखता दा दर्द तुहाडे सीने विच है। सो ये मैं समझदा गुरु साहब दी कृपा है। गुरु दी मेहर दे नाल ही मन दे विच दया तरस आउंदी क्योंकि धौल धर्म दया कपू तुहाडे मन च दया इहदा मतलब धर्म तुहाडे कोल है। तुहाडे कोल जे दया है तुहानूं दया आ रही है मनुखता दे उत्ते। सो असीं सारियां संगतां दा धन्नवाद करदे हां। सो इस ढंग दे नाल इह भी सेवावां वख-वख थावां ते जिथे-जिथे ਜ਼ਰੂਰत पएगी उत्थे उत्थे होर भी पिछों जिहड़ा समान है जिहड़ा ऑर्डर किया आउंदे दिनां जो भी आएगा सो यह मनुखता की सेवा जी संगत एड वालों आप संगतां दे सहयोग नाल कीती जा रही है। हथियार वो होंदा जिहड़ा मौके पर काम आ जाए। वेखो ऑक्सीजन के सिलेंडर जिहड़े ने हुण इत्थे थल्ले पए ने, इन्हां नूं इस ढंग दे नाल खाली थल्ले लैंदे जांदे ने। ये भरे होए सिलेंडर उपर क्योंकि जिद्दां दा मौका होए उस हिसाब दे नाल जिहड़ा है ये सारी जदोजहद करनी पैंदी है। क्योंकि अजे स्प्लिटर भी लगदा पिया, वो भी सिस्टम किया जा रहा तां कि एक आई सी यू नूं जिहड़ा प्लांट है उत्थों ऑक्सीजन मिल जाए, दूसरे नूं सिलेंडरां तो। पर ये भी नाल नाल क्योंकि जिद्दां दे हालात होण, क्योंकि ऑक्सीजन आपां जाणदे हां कि साह इहदे नाल ही आउणा, ते ये जिहड़े सिलेंडर जिहड़े तुसीं संगतां ने सेवा करके इत्थे पेट कीते होए ने, इस ढंग दे नाल स्टाफ भी जिहड़ा वेखो वो भी वित्तों वध हो के सेवा करदा है। इस स्ट्रैचर के उत्ते खाली लै आउंदे ने, थल्लों भर के लै जांदे ने। सो हर ढंग के नाल वो कीमती जाना बचाने की कोशिश जिहड़ी है लगातार जारी है। सो ये जिहड़े सिलेंडर इत्थे सेवा दे विच पहुंचे हुए हैं, क्योंकि पहलां शायद कईयां नूं इस गल दा जिन्ना टैक्नीकली जिन्ना नॉलेज सी कि पहलां जदों ये आए सी इन्हां दा ब्लू रंग सी जिहड़ा कि किसी दूसरी गैस वास्ते हुंदा है, क्योंकि ऑक्सीजन की स्पैसीफिकेशन ब्लैक तो वाइट की होंगी है। सो वो कलर भी असीं इन्हां दे चेंज करवाए ने क्योंकि जदों ये सारी आपदा बनी हुई है। सो जिहड़े भी नवे सिलेंडर किसी भी गैस वास्ते तैयार होए सी उन्हां नूं भेज दिता गया सीगा ऑक्सीजन दे वास्ते। सो उदों असीं इन्हां नूं ऑक्सीजन उन्हां दे विच भरा के वो वरती गई। पर उन्हां सिलेंडरां नूं हुण फिर जिहड़ा टैक्नीकली जिहड़ा वाइट टॉप ते ब्लैक जिहड़ा सारा साडा सिलेंडर का रंग है वो भी हुण कर दिता गया। उत्ते तुहाडे वल्लों जिहड़ी डोनेटेड बाय संगत एड यूके सारा कुछ ये कार्य जिहड़ा ये भी नाल नाल चलदा पिया। सो इधर जिहड़ा प्लांट है, सो ये जिहड़ी सेवा अगे इत्थे जिथों चलदी है ये सिलेंडर जिहड़े ने इत्थे आपां देख सकदे हां लगे होए ने। सो सिलेंडर जिहड़े ने सेवा से लगे हुए ने, इत्थों ऑक्सीजन जा रही है उपर जिहड़ियां सी पाइपां दे राहीं जिहड़े वेंटीलेटर के उत्ते पेशेंट ने उन्हां दे वास्ते ये जिहड़ी है सेवा इत्थों चलदी है। सो ये जिहड़ियां सेवावां तुसीं भेजदे हो वो इस ढंग दे नाल लग रही ने। आ भी देखो इधर ये सारे उपर इत्थों ऑक्सीजन जा रही है, तो सारी सप्लाई लाइन जी पक्की बनिया हुई। जो हॉस्पिटल बनया से उदों भी असीं तुहानूं सारिया चीज़ां विखाईयां सी, पर उदों साडे ज़हन दे विच किसी ने भी ऐसा नहीं होएगा कि कोई एक दिन ऐसा भी आएगा कि ऑक्सीजन दीयां पाइपां साडे लई किड्डियां अहम हो जाणगियां, किन्नियां कीमती हो जाणगियां। पर अज सानूं लगदा कि हॉस्पिटल का सब तो मेन जिहड़ा जिहड़ा कैबिन कह लईए जां विभाग कह लईए वो आ विभाग आ जिथे ऑक्सीजन पई होई है। तो ये सब तो अहमियत वाली चीज़ है कि जी कि तुहाडे संगतां दे सहयोग नाल तुहाडा दिता होया दसवंध तुहाडी भेजी हुई सेवा अज ऑक्सीजन के रूप ये साफ लै सक रहे ने। वो पेशेंट जिहड़े कि करोना तो पीड़ित ने या होर भी कोई सीरीयस प्रॉब्लम तो पीड़ित जिहड़े पेशेंट ने वो तुहाडी भेजी हुई सेवा दे नाल साह लै पा रहे ने। सो मैं समझदा बड़ी वड्डी एक सेवा है, क्योंकि गुरु साहब ने सानूं सेवा दा ही संकल्प नाम जपना तो सेवा करनी दो साढ़े थम ने, दोनों के नाल ही आप अगे बढ़ सकते। विच दुनिया सेव कमाई है तो दर गए वैसन पाई है। सो सतगुरु अपने जोड़े उन्होंने वर बख्शे मैं समझा अपन संगतों को वो दाता बख्श रहे हैं बख्शणगे। सो ये गुरु की सेवा गुरु के दर के उत्ते गुरु के घर के उत्ते, क्योंकि ये जोड़ा हॉस्पिटल है वो भी गुरु नानक साहब जी के नाँ के उत्ते श्री गुरु नानक देव सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल तरन तारण। तो ये धरती वो है जिथे खुद गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी ने कोड़ियां दे कोड़ दूर कीते, इत्थे वर बख्शिश कीते होए ने। अज भी वह पवित्र सरोवर वह पवित्र दरबार जिहड़ा उत्थे संगतां लाहा लैंदियां ने। सो ये सेवावां आप संगतां दे सहयोग दे नाल बखूबी चल रही ने। ते ये सिलेंडर जिद्दां खाली हुंदे ने फिर इन्हां नूं भराउण दा सिस्टम जिहड़ा वह अगों चालू हो जांदा है। सो ये जिहड़ियां सेवावां इत्थे पहुँच रही ने आप संगतां दे सहयोग दे नाल, क्योंकि इस वक्त बड़ी वड्डी जरूरत है इन्हां सारिया चीज़ों की। तो डॉक्टर ढिल्लों साहब साडे नाल मौजूद ने। डॉक्टर साहब तुसीं थोड़ा इहदे बारे होर जानकारी दिंदे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत एड यूके वालों सानू जो सहायता अज तरीक 16 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੋ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ 50 ਪੀਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ जो सैचुरेशन चेक करने वास्ते 200 पीस दिता गया। नाल ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हवा तो बनाने वाली ऑक्सीजन दी मशीनां 25 दित्तियां गईयां। ये सारियां जिहड़ियां ने इन्हां दा बड़ा धन्नवाद। ये जिहड़ा कोविड महामारी दा समा चल रहा कुदरत दी करोपी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਇਲਾਜ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਪੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੀਫੋਲਡ ਮੰਗਾ ਕੇ ਅਲੱਗ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਏਰੀਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਸਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦੀ ਪਏਗੀ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਕ ਕੰਪਨੀ ते जी कंपनी जी वर्ल्ड फेमस कंपनियां ने उन्होंने मिलते हैं। कोई करीब 8-10 दिन का यदा इंतजार करना पैंदा। रेंज दी करीब 11 लाख रुपए पर पीस होंगी है। सो असी पिछले समय के रेंट के उत्ते भी 2000 रुपये रोज़ के हिसाब नाल लोगों को मंगा के सहायता दी है, क्योंकि रूटीन सानू इन्ने वेंटीलेटर की लौड़ नहीं पैंदी। पर हुण ते कल्ले कोविड का मरीज ही चला जाता सावसाई हो जाता तो जे वो बिल्कुल कलैप्स कर जाता तो फिर सह नहीं लै पाता तो वेंटीलेटर के उत्ते ही सानू लैना पैंदा। सो तुहाडा बड़ा धन्नवाद महापुरख बाबा जगतार सिंह दा जिहड़ा ये चल रही संस्था है जिहदे विच टोटल चैरिटेबल सहायता दी जाती है। मरीज नाल किसी भी ढंग नाल सेहत सेवावां नाल संबंधित पैसे नाल संबंधित कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाता, जो कि इस समय के विच सारे ही प्राइवेट हस्पताल मैं कहांगा कि करीब 40-50 हज़ार रुपया रोज़ के हिसाब नाल बिल बना रहे हैं, जिहदे च मेरे सामने ने निजी जान पछाण के लोगों नूं ये पैसे दे के भी बैड नहीं मिलते। साढ़े पिछे जे मजबूरियां सी पर वो असी कमियां पेशियां जिहड़ियां साडियां पूरीआं हो गईआं। असी सारियां दे सहयोग जिहड़े भी दित्ते ने, भाई साहब ने, भाई रणधीर सिंह जी ने और भाई गुरप्रीत सिंह, भाई जिहड़े भी साडे बाबा जोगा सिंह जी जिहड़े बड़ा इंटरस्ट लैके साडे अगे आए ने ते बड़ा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो बाबा जी क्योंकि खास तौर पर यह जिहड़ा हॉस्पिटल है ये तो संगतां वल्लों ही तैयार किया गया, संगतां दे सहयोग नाल। इस वेले किवें दा लग रहा तुहानूं इस महामारी के दौरान इत्थों दीआं सेवावां जिहड़ियां ने लोकां दी भलाई वास्ते किवें आ रही ने सामने? देखो जी ये एक इम्तिहान आ। हुण किहड़ा इहदे च पास हुंदा है? जे माया वाल हो गए तो पास नहीं होवोगे, फेल हो जाओगे। जे माया नूं परां वगा के इहदी सहायता करोगे। हुण मैं पिछे वेखण दिया हाँ उत्थे शमशान घाट ते दिल्ली किड्डियां वड्डियां सेवावां कर रहे आ, दिन रात आ लिखे उन्हां दे सारे परिवार नूं करोना है, फिर भी वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते तो हर एक नूं पहुंचांदे आ। जदों महामारी कत्ते दी बीमारियां दे शुरू होई ना पहलों दसदे इस तरह ही कई बेचारे गड्डियां ते लाशां लैके जांदे सी, एक चुक के लै जाते ही मगरों उस घर ही फिर होर पई हुंदी सी ते गड्डे भर के इस तरह ही संस्कार हुंदा सी। ਉਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦਨਾਕ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਓ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਆ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਵੇਖੋ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਮੋੜਿਓ ਨਾ, जिस तरह भी होएगा असी हर तरह रात दिन नहीं सवांगे ते असी तुहाडीआं लोड़ां पूरीआं करांगे ते तुसीं मरीज मोड़िओ ना किसी भी हालत अखीरले श्वास तक भी उहनूं बचाउण दी कोशिश करो। मैं डॉक्टर साहब नूं बेनती करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक बेनती जानकारी मैं देना चाहांगा, जिहड़ा इन्ना डर पब्लिक दे विच फैल चुका ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂँगा कि लगभग पिछली फस्ट जी कोविड वेव आई है ना पिछले साल तो करीब 20% जी पॉपूलेशन अफेक्ट हुई सी और जी दूजी वेव आ है तो डेडली डिजीज़ ये करीब 50 ਤੋਂ 60% पब्लिक ये अफेक्ट हो जानी है तो कुछ 20% के करीब जी वैक्सीनेशन हो जानी है तो लगभग कह लो कि 70-80% जदों पॉपूलेशन इस वैक्सीनेशन या बीमारी के नाल प्रभावित हो जाती है तो फिर लगभग एक हर्ड इम्यूनिटी जिन्होंने कहें वह बन जाती है। सो मेरे मुताबक जो मेरी समझ कह रही है ये कोई घबराने की गल नहीं है, ये कोई करीब महीने के विच सारा रिवर्ट हो जाएगा। तो जिदा अमरीका दे विच सारिਆਂ ਨੂੰ ये मास्क पाउन तो बिना इजाजत दे दी है, वैक्सीन सारी हो गई है, पॉपूलेशन बड़ी घट है चलो उत्थे, पर मैनू इत्थे भी बड़ी उम्मीद है कि कोई एडा भी डर की गल नहीं आ, जिहड़ा असर करना सी कर चुकी है। हुण ये अखीरली स्टेज दे विच आ, थर्ड वेव का मैं नहीं समझदा कि आ सकदी है, पर फिर भी चलो ये समा वेखी जाएगा। तो हुण भी कोई घबराउण की गल नहीं है, एक महीने की वध तों वध गल है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो डॉक्टर साहब ने बड़े कीमती जिहड़े विचार साडे नाल सांझे कीते। भाई रणधीर सिंह जी साडे नाल ने। भाई साहब ये जिहड़ी सारी इस वक्त जिहड़ियां सेवा विच चीज़ां आईयां ने इन्हां दे बारे आप जी भी थोड़ा विस्तार दिंदे जी। भाई गुरप्रीत सिंह जी अपने कोल अज 25 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आए हैं तो 50 आए ने अपने कोल ऑक्सीजन फ्लोमीटर जिहड़े सिलेंडर के उत्ते लगदे। इन्हां दी ही इन्नी ज़्यादा शॉर्टेज सी कि जिन्हां दी कीमत कोई 800 ਤੋਂ 1000 रुपए तक सी। ये 5-5 हज़ार का 10-10 हज़ार का भी लोगों ने खरीदिया। तो चलो आपां भी हुण तकरीबन 2900 रुपए नूं आपां नूं मिलिया, बहुत ही बड़ी मुश्किल नाल मिलिया। और नाल ही कल होर भी 50 आ जाने। तो दिल्ली तो मिल गए, पर कलकत्ते तो एक मैनुफैक्चर मिल गया सी, ये भी मेड इन इंडिया ही है जी, अज चाइना मेड नहीं है। सो अपने को 100 ये भी हो जाएगा। सगों मैं ये बेनती कराँगा इत्थे डॉक्टर साहब नूं, बाबा जी हुणां नूं भी कि फ्लोमीटर जिथे भी होर सिविल हस्पताल विच जां होर भी किते जिसे नूं भी किसी नूं घर विच भी लोड़ होवे ते फ्लोमीटर इत्थों लिजा सकदे आ संगतां। जिन्हां कईयां दे कोल सिलेंडर हैगे, फ्लोमीटर दा इंतजाम नहीं हो रहा क्योंकि मार्केट विच अवेलेबल ही नहीं हैगा। सो जे कोई संगत भी विदेशों में भी सौंदी होवे, किसी नूं भी इस फ्लोमीटर दी लोड़ होवे ते इत्थे अपने कोल तकरीबन 100 दा स्टॉक हो जाना हुण। सो ये संगतां इस दा लाभ उठा सकदियां। बाकी जो मशीनां ने ये आईयां ने, जो भी अपने कोल मास्क आईयां ने, 1 लाख मास्क आई है, 50 हज़ार जिहड़ी कन्ना दे उत्ते पैंदी है, 50 हज़ार है जिहड़ी दस्तार वाले सिंह भी पा सकदे। ते ये जिहड़ियां इन्हां दे विचों आपां कोशिश करनी है कि जिहड़े फ्लोमीटर भी ने अपने ऑक्सीमीटर भी ने, इन्हां विचों भी कुछ आपां जाके जिथे किसान धरने इत्थे बैठे ने मोर्चे ते कि उन्हां दे कोल फ्लोमीटर भी होने चाहिए आ। बाई दी वे वैसे तो उत्थे अकाल पुरख की सच्चे पातशाह की बहुत वड्डी किरपा कि उन्होंने जोड़े हौसले ने, उन्होंने जी स्पिरिट है, उत्थे अकाल पुरख की दया ही है, उन्होंने भगती अगे भी उत्थे जिथे दुनिया करला रही है उत्थे वो एक ऐसी जिदा पवित्र धरती बन गई कि उत्थे करोना भी नहीं जाता। सो पर फिर भी एक दिन बोलते सके दूसरे अपने राज्यपाल जी कि सानू किसी ने उन्होंने अप्रोच किया कि करिए, तो उन्होंने आख्या कि सानू विटामिन सी दे जाओ। सो मैं सोचा विटामिन सी दे नाल नाल आपां मास्क भी दे दीजिए। मैं अज भी पुछया सी चडूनी साहब दे नाल हुंदे भाई बलजिंदर सिंह, वो कहंदे तुसीं मास्क पहनदे भी हो जां तुसीं मास्क भी नहीं पहनदे हो? कहंदे नहीं, मास्क विचों बहुत सारे सिंह पहनदे आ। सो आपां किसान मोर्चे तो भी साध संघ जी आपां अपणियां सवां पिछे नहीं हटाइयां ते उत्थे जाके उन्हां नूं 1 लाख मास्क है इहदे विच्चों वड्डा हिस्सा उत्थे देवांगे। होर भी मगर 1 लाख होर आ रही है, हस्पताल विच भी इत्थे जिन्नियां लोड़ है उन्नियां इत्थे भी वरतीयां जाणगीयां। सो बाकी ये जो मशीनां ने इन्हां दा असीं हुण अपने कोल आ गईयां हस्पताल दे विच, जिन्नियां दी हस्पताल नूं लोड़ होएगी पहल इस हस्पताल दे विच है। बाकी जिहड़े सिविल हस्पतालां विच जिथे भी सारे ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ संगत ट्रस्ट वालों संगत एड वालों आप 5-5 मशीना जरूर दईए। सो ये हुण तुहाडे ते है कि तुसीं किन्ना कु सहयोग बाहरों संगत ट्रस्ट नूं संगत एड नूं दिंदे हो। ते ये मशीना जिहड़ियां ने ये भी जिहड़ियां 25 आईयां ये भी 70 हज़ार रुपए दे विच प्लस GST हुंदी आ, पर वो GST हस्पताल नूं वापस आ जाएगी। सो जिहड़ा भी ਤੇ अपनी संगत का जोड़ा हिसाब किताब है वो सिर्फ 70,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। सो इस तरह के नाल जिस मैं उसका नाम जरूर लवांगा, उसका नाम है साहिल तो दिल्ली तो है, पर उसने अज अपने किट भेजी है, 100 किट भेजी है, PPE किट फ्री भेजी है, तो उसने नाल 101 जी ट्यूब भेजी है, नाल जी ऑक्सीजन मशीन तो अगे लगनी होंगी है वह भी उन्होंने फ्री भेजी है। सो उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिसने ये सेवा की है, और जिन्नियां मशीना भी सानू उसने लैके दित्तियां उन्हें विचों कोई भी कुछ भी कमाया नहीं है। उसकी अपनी फैक्ट्री है मास्क बनाने की। सो उसका बहुत बहुत संगत ट्रस्ट वालों धन्यवाद किया जाता है। साहिल गुलाटी हाँ जी। सो उन्होंने ਉਹ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹੇ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਲੈਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਭਾਈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਪਨੀਤ ਜੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ जथेदार ने। सो कोई भी सानू भी किसी गल की जरूरत होंगी है किसी जिस तरह अज भी जलंधर तो पेशेंट आए ने ते वो मतलब वो ये फील करते सी कि असीं उत्थे जाइए जिथे सानू सही तरीके दे नाल डील कीता जावे। सो जलंधर तो अज एक होर पेशेंट आए ने, गरायां तो 2 आए सी परसों, जगरावां तो आए सन। सो इस तरह ही जिहड़ा हस्पताल का ये जो कार्य है इत्थे किसी भी जो डॉक्टर साहब ने भी कहा कि मरीज़ के नाल किसी भी हालत में किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं कोई भी इत्थे कर सकता ना किया जाता है। जो उसकी सही लोड़ है उस तरह ही उन्होंने इलाज किया जाता है। कोई इसनों इन्हों मतलब कोई पैसे का इत्थे कोई इस तरह का नहीं किया जाता कि जे हुण आ गया है तो उसके कपड़े भी उतार ले जाण ते उन्होंने जिहड़ा है वध तों वध उन्होंने निचोड़िया जाए, इदां दा कोई नहीं है। एक भी दिन वध नहीं रखा जाता किसी नूं, जदों घर जाण दे योग हो जाते उन्होंने घर भेजा जाता। दूजा जिस तरह बाबा जी ने कहा कि किसी नूं इत्थों मोड़िओ ना, ये बहुत वड्डी गल आ। पहलां जे ना भी कीती आ साध संग जी ते उस टाइम ऑक्सीजन की घाट सी, बहुत सिलेंडरां की घाट सी, ये मशीनां नहीं सीगीआं। जिस दिन दीआं मशीनां आईआं वो सिलेंडर दिहाड़ी विच 3-4 एक पेशेंट नूं लग जांदे सी नॉर्मल भी, क्यों जी डॉक्टर साहब जिहड़ा नॉर्मल पेशेंट आ तो हुण मशीनां ਉਹ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੂਜਾ ਜੋ ਵੱਖਰਾ ਮੈਨੀਫੋਲਡ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ, ਜੇ ਮੁੱਲ ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 2, 4, 5, 7 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ ਜੋ ਕਿ 8-10 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰੀਏ। पर मैं फिर भी संगतां नूं दुबारा भी बेनती करदा भी साध संगत जी जो तुहाडी माया आई है तुहाडे कोई सज्जन मित्र रिश्तेदार अजकल पंजाब दे विच किसे पासे भी जाना होवे 1.5-2 घंटे विच पहुंचा जांदा। अमृतसर नूं तां इदां दे राह बन गया कि बठिंडे तो 2 घंटे विच तरनतारन पहुंचा जांदा, लुधियाणे तो 2 घंटे विच पहुंच हो जांदा, हाँ जी चंडीगढ़ तो 2.5 घंटे लगदे होणगे। सो इस तरह अगर कोई भी सज्जन रिश्तेदार किसी का कोई वो चाहते हैं कि गुरु नानक सुपर स्पैशलिटी हस्पताल जो बाबा जगतार सिंह जी की संस्था वालों बनाया गया कि वो इत्थे दीयां सेवावां लैणियां चाहते हैं वो कांटैक्ट संगत टीवी ना करन जां इत्थे हस्पताल नाल सीधा कर लैण, इंटरनेट तो सारे नंबर मिल सकते हैं जां साडे संगत टीवी के दफ्तर तो लैके तो इत्थे जो ये संगतां ने सेवा कर रहीआं ने इसका लाभ उठाउण। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।